भारत के प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं कि विश्व में भारत का नाम हो, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, और हमारे साथ इस वक्त एमएसएमई सेक्टर के मंत्री मध्य प्रदेश के सकलेचा साहब हैं। सर, प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और वही बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एक मंत्री भी हैं, यू होल्ड मेनी हैट, और आप वो हेल्पिंग हैंड भी हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए। देखिए, वो जो भी बोल रहे हैं वो बोल नहीं रहे, उसके लिए उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करा है। आज कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता है, दुनिया के सबसे बड़े डिजास्टर के समय ऐसा एनवायरनमेंट बनाना कि आपका एंटरप्रेन्योर आए, आप उसे स्पेस दे रहे हैं, उसको मार्केटिंग का स्पेस भी दे रहे हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी का भी स्पेस दे रहे हैं और रीजनेबिलिटी भी दे रहे हैं। तीनों एंगल एक साथ दिया है प्लेटफॉर्म में, और इसी कारण ये अचीवमेंट हो पाएगा। पॉलिसीज अगर आप देखें, अलग अलग टाइप की अलग अलग ट्रेड के लिए पॉलिसी बनी, उनके सपोर्ट के लिए, चाहे मार्केटिंग के लिए, चाहे प्रोक्योरमेंट के लिए, चाहे अन्य सभी चीज़ों में, बैंकिंग को कन्वीनियंस बनाना, इंटरेस्ट रेट एकदम ड्रॉप डाउन करना, लेबर लॉज में बहुत पॉजिटिविटी लाना, इन सब के माध्यम से ये अचीवमेंट होगा। सर, यदि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लगाया MSME के लिए, सेक्टर के लिए उनका जो थ्रेशहोल्ड है वो बढ़ाया, उसके अलावा आपका राज्य, आप खासकर आपके राज्य और आपके राज्य में क्या फ़ायदा हो सकता है MSME डेवलपमेंट फोरम में से? हम यदि कोई यहाँ आया हो MSME डेवलपमेंट फोरम में अटेंड कर रहा हो, उनको क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे? देखिए, आज की तारीख में हमने सभी पैकेजेस को मिला के इंडिया की सबसे बढ़िया 40% सब्सिडी ग्रांट देने का तय किया। दैट इज द बिगेस्ट, नंबर वन। नंबर टू, द इनिशियल लैंड में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हमने इतना सब्सिडाइज कर दिया कि उसका पैसा इंडस्ट्री में लगे, ना कि लैंड में लगे। लैंड के बजाय हम इन्वेस्टमेंट उसका टेक्नोलॉजी में लगवाना, ये सब एक तरीके से फैसिलिटेशन का तरीका ही है। टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों साथ साथ चलती हैं, बिजनेस में फंड्स की भी ज़रूरत होती है। क्या आप मध्य प्रदेश सरकार फंड्स मुहैया करा पाएंगी एट ए कंसेशनल रेट जो एंटरप्रेन्योर्स यूटिलाइज कर पाए? और जनरली प्रधानमंत्री भी कहते हैं एंटरप्रेन्योर तो वो होता है जो कि पैसा वापस करने के लिए सबसे पहले वो अग्रसित होता है। देखिए, पैसा फाइनेंस करना एक इंडिपेंडेंट बैंकिंग सर्कल का काम है। बैंकिंग को आप इंडस्ट्री से एसोसिएट कर सकते हो सिर्फ साथ चलने के लिए। यू कैन नॉट फोर्स अ बैंकर कि इनको लोन दें, आपको अपनी बैलेंस शीट, अपने फैक्ट्स, अपना पुराना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। वो तो बात ठीक है सर। क्या मध्य प्रदेश सरकार कुछ फंड बैंक कुछ फंड ला करके, किटी बना करके उसको एक इजी लोन मुहैया कराने का कोई ऑप्शन प्लान कर रही है? नहीं, इसमें अभी कोई योजना नहीं है। स्किल डेवलपमेंट में है, अलग अलग टाइप की सब्सिडी है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए हम फंड देते हैं, लेकिन फाइनेंसिंग मध्य प्रदेश सरकार नहीं करती है। वो बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कहा अपने उद्बोधन में कि यदि मध्य प्रदेश में आपकी इंडस्ट्री है, आप मध्य प्रदेश में हैं, तो आपके जैसे हजूरी और कॉटन में आपने कहा 30% तक का आपका ट्रैवल कॉस्ट बच जाता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट बच जाता है, विच मीन्स दैट मध्य प्रदेश इज अ सेंटर ऑफ from क्या कहते हैं फार्म टू फैक्ट्री। दैट्स अ फैक्ट, और दैट इज द वे पीपुल हैव डिस्टॉर्टेड द सिस्टम, इकोसिस्टम, एंड दैट इज व्हाई वी बिकम एक्सपेंसिव एंड आवर ट्रेड हैज गॉन टू द अदर कंट्रीज। आज रेडीमेड गारमेंट श्रीलंका ये क्यों सक्सेस हो गए? क्योंकि हमारी गलतियां थी पुरानी सरकारों की, जिन्होंने उसको पूरा बैलेंस नहीं किया कि कॉटन पैदा MP और महाराष्ट्र में हो रहा है, यार्न बनने किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है, कपड़ा बनने तीसरे स्टेट में जा रहा है, स्टिचिंग चौथे स्टेट में हो रही है। तो इतनी ट्रेवल कास्ट और ये सब, इट्स अननेसेसरी इंक्रीजिंग द कास्ट पैटर्न। सर, आपका स्टेट में फूड ग्रेन का भरमार है, आप तो पंजाब और हरियाणा को भी चैलेंज कर रहे हैं। क्या फूड प्रोसेसिंग प्लांट
मध्य प्रदेश में कितना सक्षम हो पाएगा और कितना व्यापक हो पाएगा यदि क्लस्टर के रूप में हम उसको समझना चाहें? कई टाइप के फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, कई टाइप के उसकी प्रोडक्ट को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमने 22 डिस्ट्रिक्ट इसके लिए ईयरमार्क भी करे हैं। उन सब डिस्ट्रिक्ट में हमने अलग अलग पॉइंट में जहाँ जिस चीज़ की क्रॉप ज़्यादा है वहाँ उसको ज़्यादा करवा भी रहे हैं। तो मूलतः यदि आखिरी सवाल में पूछूं कि व्हाट इज द सेलिंग पॉइंट दैट मध्य प्रदेश गिव्स टू द अदर स्टेट्स टू द इंडस्ट्री एट लार्ज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, व्हाट दे कैन गेट व्हाट दे डोंट गेट इन अनदर स्टेट, व्हाई दे शुड अपरूट देमसेल्फ फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस और एक्सपैंड देयर बिजनेसेस इन मध्य प्रदेश एंड नॉट इन द ऑनगोइंग बिजनेस और इन अदर स्टेट्स? इट्स द हार्ट ऑफ द कंट्री, इट्स ऑन द सेंटर पॉइंट, एनीवेयर टू डिलीवर, anywhere to procure the raw material, the most economical place in the heart and the most friendly environment, trained manpower, maximum available, highest area wise it is the second biggest state of the country. So space is available, it's on the heart, in the central of the country, surplus power is available and every friendly environment is available. Transport and logistics? Yeah, it is. Maximum number of highways are passing from MP. Let it be south to north, east to west, all the highways are crossing MP. So transportation and e-business, it is very easy to deliver from MP to anywhere within 24 hours time. Thank you, sir, very, very much, and wish you you have a good day. Next 3 days is a brainstorming session in MSME Development Forum, and I hope you enjoy and you find a lot more customers. And we, as our Prime Minister says, for $5 trillion economy, Madhya Pradesh could be one of the growth engine for India. It's not a find the customer, it's find the developer to develop for the country. Thank you. With camera person Rajesh Tripathi, Pranav Prakhar reporting for Vision Television World.